हमें बाहर से कोई बदल नहीं सकता, बस हम खुद ही अपने आप को बदल सकते हैं। हर दिन सूरज उगता है और सूरज डूबता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम अपने दिन को चाहे तो उज्जवल या चाहे तो अंधकारमय बनाए। यह बाहर नहीं है, यह हमारी सोच में है, हमारे मानसिक स्थिति पर है। यह हमारे मानसिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है कि हम चाहे तो अतीत को अतीत में छोड़कर इस कीमती दिन का, इस कीमती क्षण का आनंद ले सकते हैं। आज हमें मिले इसी क्षण को इसी क्षण जीकर आनंद ले सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें खुलती है, जब हमारी नींद खुलती है तो ब्रह्मांड हमें ताज़ा और पूरी तरह से नए ऐसे कुछ क्षण प्रदान करता है, जैसे 24 घंटे 1440 मिनट यानी 86,400 सेकेंड्स अगले नए दिन तक प्रदान करता है। अब यह हमारी पसंद है कि हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देकर इस नए क्षण का, इस नए दिन का स्वागत करें या यूं ही कल की तरह हमारे भाग्य को कोसे। मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह जाना यह हमारी मर्जी है और बिस्तर पर फिर से अलार्म ऑफ कर सो जाना यह भी हमारी ही मर्जी है। नींद में सपने देखना हमारी पसंद है और उन सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना यह भी हमारी ही पसंद है। सुबह उठने के बाद सोशल मीडिया पर मैसेजेस पढ़कर अपनी ऊर्जा खर्च करना, समय बर्बाद करना यह भी हमारी ही पसंद है और जिम में जाकर एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना यह भी हमारी ही पसंद है। कुछ नए सोचने का, कुछ नए करने का प्लान करना यह भी हमारी ही पसंद है और उस प्लान पर काम करना यह भी हमारी ही पसंद है। हम चाहे तो हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या चाहे तो टेस्टी फूड भी खा सकते हैं। टेस्टी फूड खाना या हेल्दी ब्रेकफास्ट करना यह भी हमारी ही पसंद है। हम चाहे तो काम को आनंद लेकर कर सकते हैं या फिर काम के बारे में शिकायत कर सकते हैं। आनंद में काम करना और शिकायत में काम करना यह भी हमारी ही पसंद है। समय को परिवार के साथ बिताना है या दूसरों को दोष देने में, गालियां देने में इसे बर्बाद करना है यह भी हमारी ही पसंद है। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना यह भी हमारी ही पसंद है, या तो जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर दुखी रहना यह भी हमारी ही पसंद है। यह भी हमारी ही पसंद है, या तो हमें जो जीवन मिला है उसे आनंद से स्वीकार कर उसको हमें जो चाहे वह बदल करना यह भी हमारी ही पसंद है, या फिर लोगों को जो अच्छा लगे वह करना यह भी हमारी ही पसंद है। आज हम हैं वह हमारी अतीत में की गई प्राथमिकताओं की पसंद की वजह से है, और आगे हमें क्या बनना है यह हमारी आज की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमारी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज ही बनाती है, तो हम आज से ठान लेते हैं कि हमें क्या बनना है यह पूरी तरह हमारी पसंद पर निर्भर करता है, हमारी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।